नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती दीदी की रेसिपी में। तो एक बार मैं शिमला मिर्ची की नई तरह से रेसिपी लेके आई, तो मैं कैसे बनाऊंगी तो वीडियो पूरा देखना। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च से एक नई रेसिपी। तो उसके लिए हम पहले शिमला मिर्च को इस तरह से काट लेते हैं। देखो ये कितना इजीली निकल गया। तो चलो अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक कप सूजी ली है, तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ बाउल में। और इसी उसी कटोरी से मैंने यहाँ पे एक कटोरी पानी ले लिया है। तो इसी पानी में अब सूजी में डालूंगी मैं थोड़ी सी धनिया और थोड़ी सी ही काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और यहीं पे मैं हल्का सा चिली फ्लेक्स डालूंगी, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, और हिला लेना इसे अच्छे से। तो सूजी को फूलने के लिए हमें रख देना है 10 मिनट के लिए, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। इसमें मैं डाल दे रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, मिला के अच्छे से इसे ढक के मैं रख दे रही हूँ साइड में। मैं दो उबले आलू ले ली हूँ जिसे मैंने अच्छे से फोड़ लिया है। तो इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ कटी हुई धनिया और कुटी हुई, दोस्तों यहाँ पे मैंने कुटी हुई हरी मिर्च ले ली है, और साथ ही साथ अदरक लहसुन कुटा हुआ ले लिया है। और इसी में मैं ऐड करूंगी पिसा हुआ जीरा, यानी जीरा पाउडर, और बहुत थोड़ा सा डालूंगी आमचूर पाउडर, और इसी में मैं डालूंगी चाट मसाला, और नमक डालना है हमें। थोड़ा सा नमक डाल दिया मैंने स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा ही मैं डालूंगी इसके अंदर गरम मसाला। सारी चीजों को अच्छे से मिला लेना है। यहीं पे मैंने हल्का सा चिली फ्लेक्स डाल दिया है, आप चाहो तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल दो, और हल्का सा मैं यहाँ पे काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। टेस्ट एकदम इनहेंस हो जाता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मिला लिया मैंने अच्छे से इसे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कटा हुआ मैंने शिमला मिर्च ले लिया है, और ये आलू का मसाला मैं क्या करूंगी इसके अंदर फिल करने वाली हूँ। शिमला मिर्च के अंदर अच्छे से हमें फिल कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से शिमला मिर्ची को हमें भर लेना है अच्छे से। ये देखिए भरा गया है, कितना सुंदर लग रहा है कच्चे पे ही। तो मैं इसमें भी भर लेती हूँ दबा के अच्छे से, ये सारा मसाला भर लेना है चारों तरफ से। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने सूजी का बैटर बनाया था, इसमें एक चुटकी में सोडा डाल दिया है मैंने, बेकिंग पाउडर, मिला लेना अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये मैंने शिमला मिर्ची की फिलिंग कर ली है कुछ इस तरह से। तो अब मैं क्या करूंगी, ये जो मैंने सूजी का बैटर बनाया है इसमें इसे डिप कर लेना है अच्छे से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया है, तो इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी शिमला मिर्च के पकौड़ों को अच्छे से तल लेना है। फ्रेंड्स, इसे अच्छे से सेक लेना है हमें, ये बहुत ही कम तेल में तैयार हो जाता है। इसे मीडियम फ्लेम पे सिकने देना है ताकि अच्छे से सिक जाए, गरम तेल नहीं लेना है हमें। मीडियम फ्लेम पे आराम से इसे सिकने दीजिए। सो फ्रेंड्स, ये देखिए एक तरफ से सिक गया है, तो इसे हम पलट लेते हैं।
फ्रेंड्स ये दूसरी साइड से एकदम सिक चुका है, तो एक साइड से और अच्छे से हमें पका लेना है। तो ये देखिए एकदम सुनहरा हो चुका है, क्रंची भी बन रहा है ये। तो फ्रेंड्स ये सिक चुके हैं अच्छे से, तो मैं इन्हें निकाल ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी तैयार हो गई शिमला मिर्ची की, तो इसे हम हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे, तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये देखिए देखते इसे खाने का मन कर रहा है, मुंह में पानी आ रहा है मेरे। तो बनाती हूँ सबके लिए लेकिन खाती हूँ सबसे पहले मैं ही। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगली रेसिपी आपको क्या चाहिए ये भी मुझे जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।